नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक और फ्रेश वीडियो में। और ये मैच है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, सेकंड T20 मैच। लोहरी का दिन है, सेकंड T20 मैच है। शाम को 7 बजे मैच खेला जाएगा। पहला T20 मैच इंडिया ने मैच जीता, हालांकि एक टाइम पे इंडिया थोड़ा सा फंस गया था एक टाइम पे, लेकिन फिर शिवम दुबे की जो इनिंग्स आई, जिस तरीके से रोहित शर्मा आउट हुए, मतलब शुमन गिल का कुछ समझ नहीं आया, कैसे ऐसे नोरे फतेह की तरह मतलब पिछौड़ा निकाल के उस फील्डर की तरफ देख रहा था, सारी कॉल रोहित शर्मा की थी। तो वहां पे ऑफकोर्स शुमन गिल की गलती थी, रोहित शर्मा आउट नहीं होने चाहिए थे। बट आज के मैच में क्या होगा, क्योंकि वेन्यू अलग है, विराट कोहली टीम में आ रहे हैं तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है, कैसे आपको टीम बनानी है। काफी लोग विराट कोहली के साथ एज ए कैप्टन जाएंगे, लेकिन मैं आपको 2-3 नाम सजेस्ट करूंगा, बस आपके लिए वही बेस्ट रहने वाले हैं। और 12 प्लेयर बताऊंगा, 12 से एक भी बाहर मत रखना, फिर आप अच्छा कर जाओगे। तो क्या कुछ करना है आपको वीडियो में आगे पता चलेगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बिकॉज आपका मोटिवेशन बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ लाइक करोगे तो आपको एक SUV कार जीतने का मौका मैं देने वाला हूं। कैसे होगा, कैसे जीत सकते हो, वो भी आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारे बड़े मैचेस आने वाले हैं। आज मैं न्यूजीलैंड वाला भी वीडियो बनाने वाला था, लेकिन सिस्टम में प्रॉब्लम, भाई सिस्टम में प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से नहीं बना पाया, बट आगे रेगुलर दिखेंगे। चलिए बात करते हैं मैच को लेके, आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो आप इससे जाके जुड़ जाइए। टॉस के बाद आपको सारी अपडेट्स मिलेगी। आजकल आपको पता है दिन में 3-4 मैचेस चल रहे हैं, सभी के वीडियो पॉसिबल नहीं हो पाते, तो उनकी भी टीमें आपको टेलीग्राम पे मिलेगी पूरी की पूरी। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ जुड़ो टेलीग्राम चैनल से, मजा आएगा। सबसे पहले वेन्यू को लेके बात करते हैं, होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर, इंदौर में मैच खेला जाएगा। लास्ट के जो 3 मैचेस जो यहां पे खेले गए, 2 बार आप देखोगे द टीम बैटिंग फर्स्ट है वन ट्वाइस, 3 मैच खेले गए, 2 बार बैटिंग पहले करने वाली टीम ने मैचेस जीते। बैटिंग पैराडाइज है, रन्स यहां पे बहुत बनते हैं, यानी कि मान लीजिए अगर इंडियन टीम पहले बैटिंग करेगी 200 वाली विकेट है, अगर अफगानिस्तान की टीम पहले बैटिंग करती है तो फिर भाई 150 60 70 तक लेके जा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं बनने वाले, 150 तक भी सिमट सकते हैं, लेकिन इंडियन टीम पहले बैटिंग करेगी, रन्स यहां पे आएंगे, 200 तक जा सकता है। अब बात करते हैं SUV कार की। दोस्तों अगर आपने माई 11 सर्कल पे खेलना शुरू नहीं किया है, आपको कर देना चाहिए। ये जो माई 11 सर्कल है ना, इससे बड़े आपको ऑफर्स कोई देगा ही नहीं, कोई दे ही नहीं सकता। आप देख सकते हैं, आपको इस मैच के लिए फर्स्ट प्राइज इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान SUV कार मिल रही है। SUV कार मतलब यार, एक तरीके से अफगानिस्तान और इंडिया का मैच है, तो जीतना तो आपको पता है बहुत इजी हो जाता है। तो वही टीम मैं आपको बताऊंगा टेलीग्राम पे, वीडियो में भी बताऊंगा कैसे बनानी है। तो SUV कार आपको जीतने का मौका है, जल्दी से जाइए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, माई 11 सर्कल को डाउनलोड कीजिए, कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है। इसके साथ साथ उस लिंक से डाउनलोड करोगे तो आपको फर्स्ट डिपॉजिट पे 20% एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि आप 10,000 डिपॉजिट करोगे 12,000, इससे कुछ नहीं होने वाला। सबसे बड़ी चीज आपको बताऊं, अगर आप उस लिंक से डाउनलोड करोगे आपको 1500 रुपए का कैश बोनस मिलेगा, मतलब 1500 रुपए बहुत होते हैं, उससे आप खेल सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में लिंक है, जाओ डाउनलोड करो माई 11 सर्कल को एंड एंजॉय। टोटल 3 मैच खेले गए, 2 बैटिंग फर्स्ट ने, 1 चेजिंग ने, स्कोरिंग पैटर्न देखोगे 190+2 और 150 से नीचे 1, जो कि श्रीलंका ने बनाया था, तो उसको तो आप मतलब काउंटिंग में नहीं लेके आ सकते ना। 210 का एवरेज स्कोर है, बैटिंग फ्रेंडली विकेट है ये। रिसेंट के मैचेस, ये 2022 का मैच है, साउथ अफ्रीका ने 227 की, इंडिया चेज नहीं कर पाया, पेसर्स को 10, स्पिनर्स को 2। श्रीलंका ने 142 की, इंडिया चेज कर गया, पेसर्स को 7, स्पिनर्स को 5। देखिए इंडिया वर्सेस श्रीलंका का जब कभी भी मैच होगा ना, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का जब कभी भी मैच होगा, इंडिया वर्सेस श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश का जब कभी भी मैच होगा,
तो स्पिनर्स के विकेट आपको दिखेंगे। वही चीज है अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया वाले मैच में भी। इंडिया ने 260 की, श्रीलंका चेज नहीं कर पाया, पेसर्स को 7, स्पिनर्स को 7। तो ओवरऑल आप देखोगे जब साउथ अफ्रीकन टीम के साथ भिड़ी तो केवल स्पिनर्स को 2, लेकिन अभी अफगानिस्तान है तो स्पिनर्स आपकी टीम में होने चाहिए। बाकी बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, रन यहां पर बनते हैं। यहां 13 विकेट गई, यहां 12 गई, यहां 15 गई। अगर इंडियन टीम पहले बैटिंग करेगी आपको विकेट्स 15-16 दिख सकते हैं, अगर चेज करेगी तो आपको इतने विकेट्स है जो कि देखने को नहीं मिलेंगे। तो वो चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर उस चीज को साथ में लेके नहीं चलोगे ना तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए यहां पे अगर हम लोग हेड टू हेड मैचेस की बात करते हैं, टोटल 6 मैच खेले गए, 5 इंडिया ने, 1 का कोई रिजल्ट रहा नहीं। लास्ट मैच इंडिया वन बाय 6 विकेट, यहां पे कोई रिजल्ट नहीं रहा। देखोगे लास्ट मैच में अफगानिस्तान की तरफ से मुजीब ने 2 विकेट निकाली, ओमर जाई बहुत अच्छे रहे, 29 रन के प्लस 1 विकेट निकाला, मोहम्मद नाबी ने अच्छा किया, जो कभी भी मैं लेता हूं ये कभी अच्छा करता नहीं है, गुरबाज ने 23 और इब्राहिम जादरान के 25 निकले, शुमन गिल 23 थे, तिलक वर्मा 26 थे, शिवम दुबे ने बहुत अच्छा किया, अक्षर पटेल 2 विकेट और मुकेश कुमार ने 2 विकेट। यहां आप देखोगे अफगानिस्तान की तरफ से केवल आपको गुलाबदीन नैब दिखेंगे, उसके अलावा यहां पे आप देखोगे शिवम दुबे का 1 विकेट और रोहित विश्नोई का 1 विकेट। ये मैच पूरा हुआ नहीं, तो थोड़ा सा आप देखोगे तो इक्वल सा चला है, ये समझ रहे हो ना, इक्वल सा चला है। देखिए जब 3 मैच खेले गए हैं इस विकेट पे तो पावर प्ले में हुआ क्या, 48 पे 1, 64 पे 3, 48 पे 1, 54 पे 0, 59 पे 0, 61 पे 1, यानी कि 6 ओवर में 50 के करीब रन्स बने हैं। 1-2 इनिंग्स ऐसे भी जहां पे विकेट नहीं गए। देखिए इंडियन टीम को आप इस तरीके से लेके जा सकते हो कि शायद इन पावर प्ले विकेट ना जाए, लेकिन अफगानिस्तान की विकेट जा सकती है, क्योंकि आप गुरबाज की तरफ चलते हैं तो वो थोड़ा सा अटैक करते हैं तो विकेट देके जा सकते हैं। हालांकि आपको पावर प्ले में जो मेन इंपॉर्टेंट अगर कोई प्लेयर मिलेगा तो वहां पर गुरबाज ही आपको मिलेगा। सबसे पहले इंडिया की प्लेइंग 11 में देखिए रोहित शर्मा, रोहित शर्मा का रिसेंट नंबर बढ़िया है, लास्ट मैच में रन आउट हुए। शुमन गिल के देखोगे तो रिसेंट नंबर उतने बढ़िया नहीं है, केवल ये 80 को निकाल दो, जो कि आपको पता होगा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आया था वर्ल्ड कप में। विराट कोहली वापसी कर सकते हैं, 54 117, 51 प्लस 1, अच्छा कर रहे हैं। तिलक वर्मा का जो T20 स्टार्ट था ना वो बहुत अच्छा था, लेकिन अभी रिसेंट में उतना खास नहीं कर पाए। शिवम दुबे का लास्ट मैच अच्छा था, 45 या ठीक ठाक नंबर्स है। जितेश शर्मा के नंबर्स एवरेज है, रिंकू सिंह के नंबर्स बढ़िया है, अक्षर पटेल के नंबर्स उतने बढ़िया नहीं है, हालांकि लास्ट मैच में 2 विकेट निकाली। यहां पे आप रवि बिश्नोई का देखोगे तो रवि बिश्नोई के नंबर्स बहुत बढ़िया है, अर्शदीप सिंह के ठीक ठाक है, मुकेश कुमार के देखोगे तो ऑरन विकेट निकालते हैं। अर्शदीप सिंह और जो मुकेश कुमार है वो आपको डेथ में गेंदबाजी यानी कि लास्ट के ओवर में गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे, बेंच से यहां पर मुझे नहीं लगता कोई भी खेलेगा। फुल स्टैट्स की बात करते हैं, रोहित शर्मा 3 मैच में 37 का एवरेज हेड टू हेड, वेन्यू पे 2 में 59 का, ओवरऑल 148 में 31 का। शुमन गिल 1 में 23 का हेड टू हेड, वेन्यू पे खेले नहीं, ओवरऑल 14 में 26 का। देखो मैं आपको एक चीज बोलूंगा, अगर इंडियन टीम चेज कर रही है तो आप इन दोनों को सीवीसी कर सकते हो, आप शुमन गिल को कैप्टन कर सकते हो, आप रोहित शर्मा को वाइस कैप्टन कर सकते हो, क्योंकि शुमन गिल अपनी विकेट को फेंकते नहीं है, रोहित शर्मा थोड़ा सा ज्यादा अटैक करने को जाते हैं तो जल्दी विकेट दे देते हैं 30-35-40 रन के अंतर्गत, तो आप इनको सीवीसी कर सकते हो। आप पहले बैटिंग में भी कर सकते हो, लेकिन पहले बैटिंग में एक ऑप्शन आपके पास विराट कोहली भी बचते हैं, 3 में 172 हेड टू हेड, वेन्यू पे 1 में 30, ओवरऑल 115 में 52, यानी कि अफगानिस्तान टीम को खेलना पसंद करते हैं, तो फर्स्ट बैटिंग में फिर आप थोड़ा सा इंपोर्टेंस दे सकते हो। तिलक वर्मा 2 मैच में 26 का एवरेज हेड टू हेड, वेन्यू पे खेले नहीं, ओवरऑल 16 में 34 का एवरेज है। शिवम दुबे 2 में 60 का एवरेज, 2 विकेट हेड टू हेड, वेन्यू पे 1 में खेले नहीं, 19 में 35 का एवरेज, 7 विकेट है। अब देखिए यहां पे करना क्या है, जितेश शर्मा और बताता हूं, 2 मैच में 31 का एवरेज है, 31 रन्स किए हैं अफगानिस्तान के अगेंस्ट, वेन्यू पे खेले नहीं, ओवरऑल 8 में 16 का एवरेज। किसी भाई करना क्या, किसको ले। देखिए अगर इंडियन टीम चेस कर रही है तो इन 3 से नीचे जाना ही मत, ना रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, इनसे नीचे लेना ही मत। देखिए शिवम दुबे आपको ओवर्स जरूर दे सकते हैं, बट ये जरूरी नहीं है कि वो आपको 4 ओवर देंगे और विकेट निकाल के देंगे, तो आप उस कंडीशन में क्या कर सकते हो, चेजिंग के दौरान केवल इन 3 को लोगे, लेकिन अगर पहले बैटिंग कर रही है फिर आप इन 3 में शिवम दुबे का नाम ऐड कर सकते हो, तिलक वर्मा और जितेश शर्मा मैं आपको उतना सजेस्ट करूंगा नहीं, रिंकू सिंह बसते उनको भी मैं ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा, 16 का एवरेज हेड टू हेड,
वेन्यू पे नहीं खेले, ओवरऑल 23 में 69 का एवरेज। अक्षर पटेल 2 में 2 हेड टू हेड, वेन्यू पे 1 में 0, ओवरऑल 50 में 45। देखिए सामने वाली टीम में आपको राइट हैंड बैट्समैन दिखेंगे, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, बट कहीं ना कहीं अक्षर पटेल का मैं 1 से ज्यादा विकेट इस मैच में लेके नहीं जा रहा कि इनको मिलेगा। रवि बिश्नोई 2 में 1 विकेट, हेड टू हेड वेन्यू पे नहीं खेले, ओवरऑल 21 में 34 का मैं लेके जाऊंगा। अर्शदीप सिंह 3 मैच में 2 विकेट, इन्होंने हेड टू हेड में वेन्यू पे नहीं खेले, ओवरऑल 42 में 59। मुकेश कुमार 1 में 2 हेड टू हेड वेन्यू पे नहीं खेले, ओवरऑल 12 में 12 विकेट है। तो मैं ये बोलूंगा कि आप इन 3 को लेके जाइए जो ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है इन 500 में से, समझ गए। पहले बॉलिंग में आप इनमें से आप सीवीसी रख सकते हैं, ये भी शायद आपके लिए एक डिफरेंशियली वर्क करेगा। किसको? रवि बिश्नोई को और अर्शदीप सिंह को, इनमें से आप कैप्टन रख सकते हो फर्स्ट बॉलिंग में। बाकी संजू सैमसन इसका तो यार क्या ही कहना, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा तिलक वर्मा संजू सैमसन से कब बैटर हो गया। मुझे ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि यार तिलक वर्मा के संजू सैमसन के ओवर आप तिलक वर्मा को खिला रहे हो जो लगातार फ्लोप हो रहा है। अफगान साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सेंचुरी करके आया, इसको बाहर बैठा रहे हो, तो ये थोड़ा सा इसकी भी है ना, इसका बैड लक इसके साथ अभी तक चल रहा है। अफगानिस्तान के प्लेयर गुरबाज रिसेंट नंबर ये 100 है 56 है, बाकी स्टार्ट मिले हैं बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए। उसके अलावा इब्राहिम जादरान कंसिस्टेंसी के साथ खेलते, ओमर जाई बहुत बढ़िया प्लेयर है, रहमत शाह के देखोगे नंबर्स ठीक ठाक है रिसेंट में, नजीबुल्ला जादरान के नंबर अच्छे नहीं है, मोहम्मद नाबी के नंबर्स एवरेज है, करीम जन्नत के नंबर्स ठीक है, गुलाबदीन नेव के आप देखोगे 52+0 27 26 1, तो जब भी इनको बैटिंग वर्गा मिलती है ये ठीक कर लेते हैं। मुजीब रहमान के नंबर्स ठीक है, 2 विकेट यहां 3 यहां 1 1 2, नवीन उलक 0 4 0 1 0, फारूकी के कुछ खास स्टैट्स है नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बॉलिंग ऑप्शन है, ओवर्स कटेंगे गुलाबदीन, करीम जन्नत, फारूकी, नाबी, ये है जो इनके ओवर्स कट सकते हैं। बाकी बैंच से इनमें से राशिद खान अगर अवेलेबल होते हैं तो खेल सकते हैं। फुल स्टैट्स गुरबाज 3 मैच में 14 का एवरेज हेड टू हेड, वेन्यू पे नहीं खेले, ओवरऑल 46 में 25। इब्राहिम जादरान 2 में 44 का एवरेज हेड टू हेड, वेन्यू पे नहीं खेले, ओवरऑल 27 में 26 का एवरेज है। देखिए इन दोनों इब्राहिम जादरान के साथ मैं पर्सनली मैं जाना चाहता हूं, गुरबाज के साथ जाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ विकेट कीपिंग, आपको जितेश शर्मा मिलते हैं तो दोनों को लेके जा सकते हो। ओमर जाई 2 मैच में 15 का एवरेज, 1 विकेट हेड टू हेड, वेन्यू पे नहीं खेले, ओवरऑल 27 में 17 का एवरेज, 15 विकेट। अगर अफगानिस्तान की टीम पहले बॉलिंग कर रही है, नॉट बैटिंग, पहले बॉलिंग कर रही है, तो एक चीज का ध्यान में रखना, ये बंदा आपके लिए सबसे बेस्ट कैप्टन बन सकता है। जो अजमत ओमरजाई है ये आपके लिए सबसे बेस्ट कैप्टन बन सकता है अगर पहले बॉलिंग करती है अफगानिस्तान की टीम। रहमत शाह 1 मैच में 3 हेड टू हेड, वेन्यू पे नहीं खेले, ओवरऑल 1 में 3। रहमत शाह को मैं आपको बोल दूं कि रहमत शाह को डिफरेंशियली जरूर ट्राई करना, इनको आप किसी बड़े प्लेयर लाइक आप इब्राहिम जादरान के ऊपर ट्राई कर सकते हो, तो इसको मैं सजेस्ट करूंगा। जादरान 4 में 8 हेड टू हेड, वेन्यू पे नहीं खेले, ओवरऑल 97 में 31 का एवरेज, मैं ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा। नब्बी 5 में 28 का एवरेज, 1 विकेट हेड टू हेड, वेन्यू पे नहीं खेले, ओवरऑल 112 में 22 का एवरेज, 88 विकेट, मैं नहीं लूंगा। ये मैंने लास्ट मैच के दौरान भी बोला था ये आपकी कॉल होगा, मैं इसको लेके जाने नहीं वाला, किसी भी सिचुएशन में नहीं जाने वाला। करीम जन्नत 4 मैच 1 विकेट हेड टू हेड, वेन्यू पे नहीं खेले, ओवरऑल 53 में 39 है। गुलाबदीन नेब 4 में 1 विकेट हेड टू हेड, वेन्यू पे नहीं खेले, ओवरऑल 60 में 26। मुजीब 2 में 2 हेड टू हेड, वेन्यू पे नहीं खेले, ओवरऑल 43 में 26। नवीन उलक 2 में 0 हेड टू हेड, वेन्यू पे नहीं खेले, ओवरऑल 30 में 39। फारूकी 2 में 0 हेड टू हेड, वेन्यू पे नहीं खेले, ओवरऑल 27 में 30। यहां पे मुझे एक तो नवीन उलक वो भी मैं सजेस्ट करूंगा अगर पहले बॉलिंग कर रही है अफगानिस्तान की टीम, अदरवाइज ड्रॉप कर देना। ये एक ऑप्शन है जिसको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ले सकते हो गुलाबदीन नेब, बट इतनी भी जल्दी इनकी बैटिंग आएगी नहीं। थोड़ा सा बैटिंग वाइज में बोल रहा था अच्छी खासी कर लेते हैं, तो मैं इन 500 को आपको क्रॉस मारता हूं। अगर आपको लेना पड़े तो गुलाबदीन नेब मैं आपके लिए एक ऑप्शन सजेस्ट करता हूं जिसको आप रख सकते हो। बैंक में कोई भी खेलता है, स्टैट्स आपके सामने है। ये जो बंदा है क्वेश अहमद और नूर अहमद, ये 2 बहुत शानदार स्पिन गेंदबाजी करते हैं, बस इस चीज का ध्यान में रखना। प्लेयर्स बैटर रोहित शर्मा, नवीन उलक ने 1 बार 4 बार, राशिद खान ने जो शायद ना खेले, नाबी 1 बार 1 बार, करीम जन्नत, शुभमन गिल, राशिद ने 2 बार 1 बार, मुजीब ने, विराट कोहली, रहमान ने 1 बार 2 बार, राशिद ने, तिलक वर्मा का देखोगे तो 1 बार नवीन उलक ने आउट किया, 1 बार ओमर जाय ने, जितेश शर्मा 1 बार, मुजीब ने, शिवम दुबे का कोई मैचअप है नहीं, किसी ने आउट किया नहीं। रहमुल्ला गुरबाज अक्सर ने लास्ट मैच में ही आउट किया है 1 बार,
इब्राहिम जादरान, शिवम दुबे ने एक बार, अहमद शाह को एक बार, अक्षर पटेल ने, अजमत ओमरजाई एक बार, मुकेश ने, बाकी मोहम्मद आबिर, हर्षदीप ने एक बार, मुकेश कुमार ने एक बार। तो मैचेस उतने बड़े नहीं दिखेंगे, लेकिन जो चीजें मैंने आपको वीडियो में बताई है बस उसको फोकस करके चलना, वो आपके लिए काफी क्रूशियल रहेगी। टीम में मैंने क्या किया, देखिए मैंने रहमानुल्लाह गुरबाज को विकेट कीपिंग में रखा, उसके अलावा इब्राहिम जादरान, शुभमन गिल को कैप्टन, तिलक वर्मा, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा छोड़ सकते हो बस ये ध्यान में रखना, विराट कोहली, शिवम दुबे, ओमरजाई। अब इन दोनों के बारे में मैंने आपको क्या बोला, अगर चेजिंग कर रही है तो क्या करना है, बैटिंग कर रही है तो क्या करना है, तो वो वीडियो के अंदर मैंने सारा कुछ बताया। मुकेश कुमार, हर्षदीप सिंह, रवि बिश्नोई और अफगानिस्तान की टीम से मैंने जो आपको एक दो चीजें बताई है वो इनमें इंक्लूड करोगे तो आपके लिए बेटर रिजल्ट इस मैच में निकलेगा, तो इस चीज को ध्यान में रखना। और माई 11 सर्कल के साथ ये आप देख सकते हैं टीम ये रहेगी, एसयूवी कार आपका वेट कर रही है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके डाउनलोड कर लो और एंजॉय करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।